जय दोस्तों, मैं आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग सीरीज आगे पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मीन पढ़ रहे हैं, माध पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। माध निकालने के लिए बताए थे बंटन में जितना राशि है सबको जोड़ देंगे, जितना बंटन के पद है उसमें सबको संख्या से भाग दे देंगे, हमारा माध निकल जाएगा। माध बराबर बोले थे कि औसत ही होता है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? कल पढ़े थे कि वर्गीकृत था, वर्गीकृत मैंने दू है तो एक ही बार दिया होता है, ऐसा कल हम लोग पढ़े थे। ध्यान देंगे, ऐसे पढ़े थे 2, 3, 4, 5 का माध निकाले थे। ये वर्गीकृत है, मैंने एक संख्या एक ही बार देवल है, 2 है एक ही बार है, 3 एक बार है, 4 एक ही बार है, तो उसको निकाले थे हम लोग। सबको जोड़ के, सबको क्या कहते, जोड़ के जितना संख्या उससे भाग देते थे, 1, 2, 3, 4 था, 4 से भाग दे देंगे। लेकिन आज थोड़ा चेंज हो जाएगा। आज क्या होगा? आज हम क्या पढ़ा रहे हैं? अवर्गीकृत, यानी एक है जो 2 बार देवर रहेगा, 3 है जो 5 बार देवर रहेगा, अलग अलग दिया रहेगा, तो उसको क्या करेंगे हम, निकालना पड़ेगा, तो सीखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, उसमें एक चीज आता है, जोग आता है। क्या आता है? जोग। उसको समझेंगे कैसे जोग निकलेगा, ध्यान देंगे बहादुर, जोग कैसे निकालेंगे, जो है ना, ध्यान देंगे हम, ध्यान देंगे। ऐसे रहेगा 1+2+3+4 इतना लिखा हुआ, इतना हम लिख दिए, ठीक है, इतना लिखे, इतना को हम क्या बोल सकते हैं, जोग बोल सकते हैं, जोड़ बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं। तो इसी को सूचित करने के लिए एक सिग्मा होता है। क्या होता है? माध माध्यिका पढ़ेंगे तो एक सिग्मा होता है। क्या बोलते हैं? सिग्मा। ध्यान देंगे, ये सिग्मा होता है, इसको आधा गह है, इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोलता है? आधा गह है बहादुर, तो क्या बोलते हैं हम, सिग्मा बोलते हैं, को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? जोगफल होता है या योग होता है, जो भी समझेंगे। इसको समझना है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्या होता है सिग्मा? तो किसका जोग है? तो ध्यान देंगे, सीखेंगे। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान देना भाग, सिग्मा एन बटा 4, एन बराबर 1 दिया हुआ है। ध्यान देंगे, सीखेंगे। ऐसे लिख देगा, ऐसे क्या करेगा, इस तरह, यानी कहने का मतलब नीचे सिग्मा को नीचे लिखाएगा, एन बराबर, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1+2+3+4। क्या इसका मतलब, क्या होता है? जोड़ होता है। इसका मतलब जोड़ होता है। इसका मतलब हमको समझना है, इसका मतलब जोड़ होता है। कहाँ से शुरू करना है, एन से, सिग्मा पावर 4 एन बराबर 1। इसका मतलब है कि एन बराबर 1 लीजिए, कहाँ तक लीजिए, 4 दिया। इसका मतलब क्या होता है? सिग्मा जोड़ है, जोड़ते चल जाइए, 1, 2, 3, 4। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखते हैं सिग्मा का पावर 4 एन बराबर 1 एन। इतना को हम लिख सकते हैं, या इससे इसको कहेगा परिचय, इतना को हल करें। क्या करें? हल करें। तो आप गड़बड़ा जाइएगा, बोले नहीं जानते इसका मतलब, तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना BPSC में 2019 में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, ध्यान देंगे। तो BPSC के लिए, GD के लिए सबका सिलेबस, पूरा सिलेबस हम मिला रहे थे, मैथ के खास करके वही चीज पूछता है। तो ऐसा क्वेश्चन 2019 में देखे होंगे, मिला होगा। हम आगे वहां पर आएंगे, अभी चिंता नहीं करना है। यानी इतना को हम कैसे लिख सकते हैं? इतना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ये समझ लीजिएगा। क्या इतना को हल करूं तो सबको जोड़ दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। 4, 3, 7, 7, 9, 1, 10 हमारा क्या हो जाएगा आंसर? ऐसे दे देगा तो नहीं, पर हम डरना नहीं है, और इतना को हल करें। अब तो दिमाग चकराएगा, ऐसे तो पढ़े नहीं किए, जानकारी रखिए, कुछ नहीं, सिंपल है, इतना समझ गए। आप इसको ध्यान देंगे, इसको इस तरह लिखा रहेगा, ध्यान देंगे बहादुर, इसको मैं यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर मेन सिलेबस आते हैं। जैसे ऐसा देखो, क्वेश्चन क्या है कि 10th क्लास का बच्चा है, ध्यान देंगे। जैसे ऐसे लिखल है सिग्मा, पहला ध्यान देंगे, सीख लेंगे। सिग्मा लिखा हुआ, सिग्मा 4 एन, एन इजकल टू 1 लिखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? लिख सकते हैं 1+2+3+4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी को ऐसे कर देगा, ध्यान देंगे, कर देगा सिग्मा, ध्यान देंगे बहादुर, सिग्मा पर पावर 5 दे दिया, अभी एन बराबर 2 दे दिया है, 2 दे दिया है, यहाँ पर यह एन स्क्वायर कर दिया है, क्या कर दिया है, सीखेंगे बाद, यहाँ एन स्क्वायर कर दिया है, यहाँ कुछ रहे तो एन बराबर कितना लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है, लेकिन यहाँ एन स्क्वायर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले 2 से हमको जाना है 5 तक, 2 से जाना है, इसका मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और 2 तो 2 से एन बराबर 2 लिया है, तो एन बराबर एन नहीं है, एन नहीं है, एन स्क्वायर है, यानी होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, समझ में आ गया? यानी यहाँ कुछ नहीं, एन था तो एक था, एक था, एक लिया हुआ था, एन पर पावर 1 है, क्या आएगा,
यहाँ स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ कह रहा है एन स्टार्ट हुआ जो 200 होगा, कहाँ तक जाएगा? 5 तक जाएगा, लेकिन स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझे तो बोल दीजिए कि नहीं समझे, कमेंट करके बता दिए कि हाँ सर हम नहीं समझे। समझ में आ गया? इसको सिखाने का क्या पर्पस है? परीक्षा में बीपीएससी में आता है, ईडी में आता है, लड़का डर जाएगा। अभी हम सिखा रहे हैं, अभी कुछ बता रहे हैं, अभी सिग्मा का खाली फॉर्म बता रहे हैं कैसे कैसे देगा, ध्यान देंगे। ऐसे रहेगा सिग्मा, यहाँ पर क्यू थ्री है, कितना है थ्री, यहाँ पर आर बराबर 1 दे दिया है, अब यहाँ आर क्यू दे दिया है, इतना को कहेगा हल करने के लिए, इतना कहेगा हल करने के लिए, या कहेगा लॉन्ग लिखने के लिए, तो कुछ नहीं। आपने कितना लेना, आर और कितना है 1 है, लेकिन आर किस में चलेगा, क्यू में चलेगा, कहाँ तक के, सॉरी कहाँ तक के, 3 तक के, 3 तक ना है ऊपर, ये अलग है, यानी होगा 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, यही आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाद देखना, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखा रहेगा, ध्यान देंगे, सीखेंगे, रहेगा सिग्मा पर पावर एन, ध्यान देंगे, आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और एक्स इंटू आई लिखा हुआ है, इतना को कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे बहादुर, बहुत मजा आएगा। यानी आई बराबर कितना है, कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, कहाँ तक लिए हैं, हम 1 तक लिए हैं ना, तो यहाँ पर क्या, यहाँ आप कितना रखेंगे, पहले तो क्या लिखेंगे, एक्स वन बोलते नहीं है, यहाँ एन रहता था, ये तो एन वन एन टू लेते थे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर कहाँ तक, एन तक जाना है, यानी एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट चल जाएंगे, प्लस कहाँ तक जाएंगे, एक्स एन तक, समझ में आ गया, एक्स एन तक जाएंगे, कुछ नहीं किया, देखिए आइए यहाँ का, यहाँ एन रखा था तो एन की जगह यहाँ वैल्यू दे देता था कि नहीं, एन बराबर मान लो कि 2 दिया होता, 2 2 3 4 5 चलते थे, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ एक्स आई दे दिया है, अगर आई जो फॉर्म में पड़ेगा ना, तो पहले कितना आई जगह कितना लेना है, आई एक्स स्टार्ट होगा, एक्स वन हो जाएगा, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, एक्स एन तक चला गया, समझ गए, इसी को इस तरह से कर देगा, कभी फॉर्मूला देता है, ध्यान देंगे, कभी यही दे देगा कितना बराबर, या इतना को लिख देगा, बोला कैसे लिखा जाएगा, इतना लिख दे देगा परीक्षा में बीपीएससी में या जीडी में, बोलेगा इतना को किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे, सीख लीजिए बहादुर, बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। अगला जो आपका है, ध्यान देंगे, एक मैं और पांचवा लेता हूँ, फिर छोड़ूंगा, आगे फिर बताऊंगा, चलते हैं, सिग्मा आई पर पावर एन है, ध्यान एन है, यहाँ आई इक्वल टू 1 लिया है, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई लिया है और एफ आई लिया है, अब यहाँ पर लड़का डर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, डरना नहीं, सीखेंगे, सीखेंगे बहादुर, इसको लिखना है, परीक्षा में आएगा, इसको लिखना है, हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे, सबसे पहले एक जगह कितना लेंगे, ये दोनों तो गुणा के रूप में, पहले किस रूप में है, गुणा के रूप में है, आई बराबर है 1 रखेंगे, फिर एफ बराबर, फिर आई की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी जाना कहाँ तक है, एन तक, क्या हो जाएगा, एक्स वन एफ वन, बोलिए कोई दिक्कत है, सेम बात ये रख दी, एक्स वन एफ वन, इसका मतलब जोड़ होता है, जोड़ते चल जाएंगे, फिर कहाँ रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, एक्स टू एफ टू, फिर कितना रखेंगे, एक्स थ्री एफ थ्री पाला से डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे ना, एक्स एन एफ एन, यही हो गया। आप परीक्षा में इतना दे देगा, बीपीएससी में खास करके दे देगा, बोलेगा कि इतना को कैसे लिखा जाए, इतना को हल करें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीख लीजिए कैसे हुआ, जो कुछ बताया नहीं, तो सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और पता ऊपर वाला जो वैल्यू होता है, मैंने वहां तक जाना होता है, यहाँ जो इतना वैल्यू नीचे में दे देगा, कहाँ से शुरू करना है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर होते चल जाएगा, ध्यान देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, पूरा समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा समझो मेरा पढ़ाना बेकार है जी। अब यहाँ पर आते हैं, ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे क्या होता है, माध बराबर क्या पढ़े, सीखेंगे, फॉर्मूला को साबित कर रहे हैं, माध बराबर पढ़े, ध्यान देंगे, माध बराबर पढ़े हैं या औसत बराबर पढ़े हैं, जोगफल बटा संख्या, इन्हें पढ़े हैं, जोगफल बटा संख्या, तो ध्यान देंगे, आ वर्गीकृत है, क्या है, आप वर्गीकृत किसको कहते हैं, बता दें, मान ले सीख लेंगे, मान लिया ऐसे दिया है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, यानी कह रहे हो 2 के बार आया, 1 बार आया और 2 बार आया, बोलते नहीं, तो एक्स का एक्स 4 मान लीजिए कितना 2 है, आइए अपने 12 बार था, फ्रिक्वेंसी के बार आया, 2 बार आया है, फिर 5 के बार आया है, फिर 5 कितना बार आया है, 5 आया है, कितना फ्रिक्वेंसी कितना 5 हो जाएगा, कितना बार आया है, 5 दूनी के 10, 5 5 10 है ना होगा,
दो दो चार होगा, ये ऐसा करेगा तब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ। सॉरी, यहाँ ध्यान देंगे जी, क्या बताना चाह रहे हैं अभी बता रहे हैं। तो माध्यम हो गया, सिग्मा हो गया, एफ एक्स, यानी कहने का कि एक्स भाई जो के बार आया है, अगर एक्स दो बार आया, तीन बार आया तो छः लिखाएगा, अगर पाँच चार बार आया तो चार पचे के बीस लिखाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या होगा, सिग्मा एफ, क्या होगा सिग्मा एफ, में संख्या कितना बराबर बार था कितना आया है, तो माध बराबर होता है, माध को ऐसे सूट करते हैं, माध बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, एफ के मतलब इसका मतलब जोड़ होता है, एफ का मतलब फ्रिक्वेंसी, दो के बार आया उसको जोड़ना है, पाँच बार आएगा तो दो पार पाँच बार गिनाएगा, थोड़ा समय जिसमें बता समझा देता हूँ। मान लीजिए देखिए, इधर चार मान दिया हुआ, इधर क्या दिया हुआ है, चार मान दिया हुआ है, इधर बारंबारता दिया हुआ है, सीखेंगे, इधर बारंबारता दिया हुआ है, मान लीजिए दो है, दो तीन बार आया है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर पांच बार आया है, चार है, एक बार आया, कहने का मतलब दो के बार आया है, तीन बार दो के बार आया है, दो आया तीन बार, पांच के बाद तीन के बार आया है, पांच बार चार के बार आया है, एक बार, तो सबसे पहले दो है जो के बार आया है, तीन बार, तो दू दू लिखेंगे, दू 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 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, छह मिलेगा, दो 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 लिखेंगे कितना मिलेगा, छह मिलेगा ना, तो यही गुणी होता है, गुना हो जाता है, सिग्मा एफ हो जाता है, क्या होता है, एफ एक्स होता है, ये एफ एक्स हो गया, देखिए ना ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया एफ एक्स, गुना होगा तो कहता तीन गुणी छह होगा, बोलते नहीं, यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स वाला क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ एफ एक्स वाला कितना हो जाएगा, तीन गुणी के, यहाँ एफ एक्स कितना हो जाएगा, मानती है के, यहाँ पर कितना होगा, चार होगा, समझ में आया, यानी वही हो गया, आप संख्या आता है कि संख्या ये अपने फ्रिक्वेंसी होता है बारंबार था, मैंने कितना बार हुआ है तो दो के बार आया है, तीन बार, यहाँ तीन लिखेंगे, बोलते नहीं, आई फिर क्या तीन के बार, तीन के बार आया है, पांच लिखे, चार के बार आया है, एक बार कितना हो गया, पाँच तीन आठ एक नौ, यानी उसी को बोलते हैं सिग्मा एफ, इसका मतलब जोड़ होता है, किसका जोड़ना है, बारंबारता को, ये फिर क्या होता है, बारंबारता के बार आया उसको जोड़ना है, यानी संख्या इसको ले लेना है, यानी इतना आप क्लियर हो गया होगा, देखें आंसर करेंगे, अब आगे आते हैं, साफ पे बने थे चल जाएगा, ध्यान देंगे क्वेश्चन एक जैसे है, ध्यान देंगे क्वेश्चन, अब आ गया सीख लेंगे, फिर से समझ लीजिए, आप वर्गीकृत बारंबारता के लिए होता है माध बराबर होता है, इसको इस माध से भी करते हैं या इसे भी लिख सकते हैं, माध बराबर होता है आपको सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, समझ में आ गया, सिग्मा मतलब जोड़ होता है किसको, बारंबारता का चार मान को, चार मान कितना बार आया उसको जोड़ के गुणा करके लिख देंगे, गुणा करके जोड़ेंगे हम, यहाँ किसको जोड़ेंगे, बारंबारता का जोड़ेंगे, इसका मतलब जोड़ होता है, इस बार जिस पर फ्रिक्वेंसी होता है बारंबारता होता है, तो अब देखें सीखेंगे बाद कैसे करेंगे, माध निकालते हैं, इसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले एफ एक्स पहला कितना है, दो है, दो है ना, दो के बार आया है, एक बार था, दो गुना एक करेंगे, दो गुना कितना करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे फिर सिखा रहे हैं, दो गुना एक करेंगे, तीन के बार आया है, सात बार था, तीन गुना सात करेंगे, सारा एफ एक्स होगा, बोलते नहीं, चार के बार आया है, तीन बार, चार गुना कितना लिखेंगे, तीन लिखेंगे, पांच के बार आया है, नौ बार था, पांच गुना कितना लिखेंगे, नौ बटा कितना हो जाएगा, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो सिग्मा तो जोड़ ही दिया, एफ एक्स जोड़ दिए, एफ एफ ने फ्रिक्वेंसी बारंबार था, इसको जोड़ना है, कितना होगा, एक प्लस सात प्लस तीन प्लस नौ, इसको हल करिएगा, जो क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, इसको करेंगे रहेगा दो हो गया ना, दो प्लस कितना हो जाएगा, इक्कीस प्लस हो गया बारह प्लस पैंतालीस, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, सात तीन दस बीस ना हो जाएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो अस्सी आ जाएगा, कितना आगा, अस्सी बटा बीस का मतलब कितना हो जाएगा, हमारा चार हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आपको मर मारता है, माध कितना आ गया, माध आपका चार आंसर हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, समझ में आ गया, इसको ऐसे नहीं देगा, ऐसे सरिया के दे देगा, ध्यान थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा फिर टाइम हो गया है, क्वेश्चन सिखा दिए, बीपीएससी के लिए, जीडी के लिए, सब के लिए है जी, कभी ऐसे नहीं, ऐसे दे देगा, चार मान ऐसे दे देगा, इधर देगा चार मान, यानी एक्स दे देगा, इधर ऐसे लिख देगा बारंबारता, क्या लिख देगा, बारंबारता, इधर बारंबारता ऐसे दे देगा, इधर तीन देगा, पाँच देगा, सात देगा, नौ देगा, इधर देगा एक पाँच दो तीन चार, जो भी दे, दो चार पाँच, दो चार होगा, माले ऐसे दे देगा, कहेगा क्या निकालना है इसका, इसका मान क्या, कहेगा औसत ज्ञात करें, औसत रहेगा तभी वही बात है, औसत ज्ञात करें या माध ज्ञात करें, बन जाएगा इसको दूसरा फॉर्म इस तरह से दे देगा, ध्यान देंगे औसत वही है, इसको तो ऐसे दे देगा, इधर देगा चार मान देगा, इधर क्या देगा, इधर चार मान दे देगा, ऐसे करके दे देगा, इधर देगा बारंबारता दे देगा, क्या देगा, इधर बारंबारता को दे देगा, ऐसे दे देगा, दो तीन तीन पाँच,
चार एक दू छ ऐसे करके घेर देगा, कहेगा कि औसत ज्ञात करे या माध ज्ञात करे। बात क्या है? बात एक ही ना है, बात क्या एक ही है, सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ करेगा, सबको जोड़ देगा, आंसर हो जाएगा। तो माध बराबर क्या हो जाएगा? माध बराबर होगा सिग्मा एफ होगा, क्या होगा? सिग्मा एफ। तीन दूनी के छो वा पचे पच्चीस, चार गुना एक चार, छो दूनी के बारह, सात सिग्मा एफ बारह बारह से जोड़ देंगे, पाँच तीन आठ, आठ एक नौ, नौ छो पंद्रह, हल करिए जो आंसर आ जाएगा। सीख गए होगा बात, कोई दिक्कत नहीं होगा। कल मैं दूसरा नेक्स्ट बताऊंगा, कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये है अवर्गीकृत बंटन के लिए। कल मैं बताऊंगा कि वर्गीकृत बंटन के लिए क्या पढ़ाऊंगा। कल हम पढ़ाएंगे वर्गीकृत बंटन के लिए, पहले सरल हम बंटन पढ़ाएं, फिर आज अवर्गीकृत पढ़ाएंगे, कल वर्गीकृत पढ़ाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी रहता है, ध्यान देंगे, ऐसे दे देगा चार मान, ऐसे देगा चार मान जो देगा ऐसे दे देता है, जीरो से चार, चार से छः ऐसे देता है, और नीचे देगा बारह बारता भी दे देता है, दू देता है, यहाँ पर तीन ऐसा देता है क्वेश्चन। कल हम ये पढ़ाएंगे, आज हम बताए हैं क्या थोड़ा सा एक क्वेश्चन और इसको मैं हल करता हूँ, ऐसे कल पढ़ा दिए हैं। यदि किसी कक्षा में पांच विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है जिसका माध निकालना है, क्या सब अलग अलग है ना, देखिए दस है, पांच है, बीस है, पच्चीस, सब अलग अलग है, एक ही एक बार है, इसको बोलते हैं सरल बारंबारता। क्या बोलते हैं? सरल बंटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल बंटन। सीधे क्या होता है? जोड़कर भाग होता है। ये पढ़ा जोग बटा संख्या, कल क्या पढ़े हैं? बंटन में पदों का योगफल बटा बटा बंटन के पदों के कुल संख्या, तो 10 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 25 बटा 15 बटा भाग देंगे आंसर आएगा 1 2 3 4 5, हल करिएगा आप आंसर आ जाएंगे। आज इतना ही तक, मैं पूरा डीप लेके जा रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपने छुड़े, खासकर जीडी के लिए, बीपीएससी के किसी के लिए आप मिला लीजिएगा कि जीडी का जो क्वेश्चन आज मैं दोनों किताब का अनालाइज करा था, जो जीडी में है वही क्या है बीपीएससी में, मैथ में खासकर बता रहा हूँ, इसलिए दोनों के सबके बराबर है। फिर से बोल रहे हैं, मन लगा के पढ़िएगा, ये दिल क्या कहता है सोने से पहले पक्का सोइएगा कि हमको सुतने बोल रहा है कि पढ़ने बोल रहा है, यहाँ से जो पुकार आएगा उसका पुकार सुन लेना, आत्मा के बात से मानोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।